हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। पुत्र भगीरथ, बलिदानियों का क्रम नहीं रुकना चाहिए। गंगा मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्यवंशियों की कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारे पूर्वजों की और मेरी तपस्या अपने यथार्थ फल से वंचित रही और गंगा मैया को पृथ्वी लोक पर लाने में असमर्थ रही है। आपके शब्दों से अविश्वास की झलक आ रही है पिताश्री, ऐसा क्यों? पुत्र, हमारे 60,000 पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा तो हमें भी सदगति नहीं मिलेगी। हमें भी? अर्थात? अर्थात मेरे पिताश्री, पितामह, मेरे प्रपितामह और मैं। तो क्या आप? तपस्या करते हुए मैंने अपनी देह त्याग दी है पुत्र। नहीं, नहीं। अब गंगा मैया को पृथ्वीलोक पर तुम्हें लाना है पुत्र, तुम्हें। पिताश्री, हे परमपिता, क्या मेरे अवतरण के कारण अब भगीरथ और देवताओं में युद्ध होगा? देवी गंगा, इस समय भगीरथ के मन में अंतर्द्वंद चल रहा है और उस अंतर्द्वंद का दूसरा नाम युद्ध ही तो है। परंतु मैं युद्ध नहीं चाहती विधाता। युद्ध से अधोगति होती है, प्रगति नहीं, हानि ही हानि होती है, लाभ कुछ नहीं होता। इससे तो अच्छा होगा विधाता, मैं पृथ्वी पर अवतरण हो जाऊं। आपका अवतरण साधारण नहीं है देवी गंगा। आपने जो कुमारिका रूप धारण किया है वो चंचल है, वेगवान है। हे त्रिपतगा, जब आपकी तीसरी धारा पृथ्वी लोक पर अवतरित होगी तो उस धारा के वेग से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। पृथ्वी सत पाताल से नीचे चली जाएगी। आपका अवतरण संसार का कल्याण करने की दृष्टि से ही होना चाहिए, संसार के विनाश के लिए नहीं। अतः देवी गंगे, आप युद्ध के विषय से चिंतित मत होइए। ये जान लीजिए कि भगीरथ को स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने की प्रेरणा देकर महाप्रभु स्वयं भगीरथ के गुरु बनना चाहते हैं, उसे कुछ शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। सम्राट भगीरथ की जय! 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 देवेंद्र, आप? प्रणाम। विजय भव। देवेंद्र, मैं स्वर्गलोक पर आक्रमण करने जा रहा हूं और आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज भगीरथ, आपका विजयी होना ईश्वरीय संकेत है। आपका यहां आने का प्रयोजन देवेंद्र? मुझे आपकी सहायता चाहिए। किस संदर्भ में? असुर राज विरूपाक्ष स्वर्गलोक पर आक्रमण करने निकला है। विरूपाक्ष प्रबल है महाराज भगीरथ, देवता उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते।
इसलिए मैं आपको विनती करने आया हूं, आप देवताओं की सहायता करें और विरूपाक्ष को पराजित करके स्वर्ग लोक पर आने वाले संकट को दूर करें। असुर राज विरूपाक्ष की जय। 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 देवेंद्र, पिछली बार के युद्ध की पराजय से कोई शिक्षा नहीं ली तुमने, जो फिर चले आए अपने साथियों को लेकर मेरा सामना करने के लिए। विरूपाक्ष, युद्ध का परिणाम सदा एक सा नहीं होता, इस बार तुम्हें युद्ध भूमि छोड़कर भागना होगा। विरूपाक्ष भागेगा? मैं गंगा मैया की तीसरी धारा को असुर लोक में लेकर ही जाऊंगा देवेंद्र। उस धारा पर केवल पृथ्वी लोक वासियों का अधिकार है विरूपाक्ष। भगीरथ। हाँ भगीरथ, तुम्हारी मृत्यु। अच्छा, तो ये षड्यंत्र रचा है तुमने? षड्यंत्र नहीं, ये युद्ध नीति है। विरूपाक्ष की नीति के सामने कोई नीति नहीं ठहरती। भगीरथ, अपना जीवन चाहते हो तो पृथ्वी लोक पर वापस चले जाओ। तुम मेरा मत सोचो विरूपाक्ष, अपने जीवन का सोचो। आज मैं तुम्हें मृत्यु देकर ही जाऊंगा। युद्ध के लिए सच हो जाओ विरूपाक्ष। आक्रमण महाराज भगीरथ हमें बचाइए, हमारे रक्षक हमें बचाइए, महाराज भगीरथ हमें बचाइए। देवेंद्र, भगीरथ जीवन चाहिए तो देवी गंगा को हमारे अधिकार में दे दो। तो अब तुम्हें मरना ही है भगीरथ। महाराज भगीरथ, आपके पास जो महान अस्त्र है उसका प्रयोग कीजिए। उस अस्त्र के कारण अदृश्य हुआ विरूपाक्ष आपको दिखाई देगा, तब हम सहज ही उसका वध कर सकते हैं। उस महान अस्त्र का प्रयोग कीजिए महाराज भगीरथ। गंगा मैया की रक्षा कीजिए, गंगा मैया की रक्षा कीजिए। सम्राट भगीरथ की जय। सम्राट